हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल त्रिदेव। दिस इज उपासना सिंह और आज हम अपने जावा टू डर की प्लेलिस्ट में जानेंगे स्विच केस के बारे में विद ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक कीवर्ड का क्या यूज होता है और स्विच केस में बेसिकली हम कहाँ पे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ये सब जानेंगे। सो स्विच केस, इट इज यूज्ड व्हेन वी हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स फॉर अ गिवन वेरिएबल। स्विच केस का इस्तेमाल बेसिकली हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस होती हैं और हमारे पास कोई एक ऑप्शन उसमें हमें सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में इफ एल्स लैडर के बारे में जाना था, सिमिलरली कुछ वैसा ही वर्क करता है, बट स्विच केसेस का सिंटैक्स कुछ अलग तरीके से लिखा जाता है। तो चलिए आइए समझते हैं इसका सिंटैक्स। यहाँ पे हम पहले स्विच कीवर्ड लिखते हैं और पैरामीटर में इसके अंदर हम एक वेरिएबल इनिशिएट करते हैं जिसके बेसिस पे यहाँ पे हमारी कंडीशन चेक होती है। फिर ये जो कंडीशन हमने यहाँ पे लिखी है उसको मैच कराने के लिए हम यहाँ पे केसेस लिखते हैं कि किस केसेस से मैच कर रहा है। हमारे पास अलग अलग केसेस होते हैं, जितने भी चाहे उतने केसेस लिख सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस आप लिख सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से। जैसे हमारे पास पहला यहाँ पे केस आया, केस C1, इसके अंदर हम अपना अलग लाइन ऑफ कोड लिखेंगे जो कि एग्जीक्यूट होगा अगर ये केस ट्रू होता है तो, नहीं तो ये दूसरे केस पे आ जाएगा अगर वो एग्जीक्यूट होता है तो। मगर अब यहाँ पे हम ब्रेक का यूज क्यों करते हैं? ब्रेक का यूज हम लोग बेसिकली सिर्फ इसलिए करते हैं कि अगर ये हमारा केस C1 रन हो गया, मतलब ये ट्रू हो गया, ट्रू होने के बाद भी केस C2 को ये ना चेक करे, ना रन करे, ना ही उसे देखे, तो हम लोग यहाँ पे ब्रेक का यूज करते हैं ताकि जैसे ही इसे कोई ट्रू कंडीशन मिलती है ये आगे इसके फर्दर ना एग्जीक्यूट करे, इसलिए हम लोग ब्रेक का यहाँ पे यूज करते हैं। एंड चलिए आइए देखते हैं अब इसको प्रैक्टिकली कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए आइए पहले अब हम एक नई क्लास क्रिएट कर लेते हैं अपने स्विच केस को समझने के लिए। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करूंगी और इसकी मैं वैल्यू मैच कराऊंगी अपने स्विच केसेस से। सो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट जिसकी वैल्यू यहाँ पे 1 मैंने इनिशियलाइज कर दी है। फिर मैंने यहाँ पे स्विच केस अपना लगाया है जहाँ पे मैंने कंडीशंस लगाए हैं केसेस में कि अगर हमारे n की वैल्यू 1 होगी तो हमारा याला स्टेटमेंट रन होगा, अगर 2 होगी तो याला स्टेटमेंट रन होगा, और 3 होगी तो ये रन होगा। बट हमने अभी यहाँ पे ब्रेक का यूज नहीं किया है ताकि आपको समझ में आएगा हम ब्रेक का यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा। सो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया और इसने हमारे तीनों ही स्टेटमेंट डन कर दिए, बल्कि ये दोनों स्टेटमेंट हमारे फॉल्स थे। अब अगर मैं यहाँ पे इसका स्टेटमेंट में 2 करती हूँ तो क्या होगा? आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं प्रिंट किया है, बट इसने सेकंड जैसे ही ट्रू हुआ तो इसने सेकंड और थर्ड दोनों को ही प्रिंट कर दिया था। तीसरा केस चेक भी नहीं किया कि ट्रू है या फॉल्स, सीधे प्रिंट कर दिया। बट अब अगर हम ब्रेक का यूज करते हैं तो क्या होगा? तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे वेरिएबल में 2 की वैल्यू इनिशियलाइज थी और यहाँ पे जैसे ही हमारा केस 2 ट्रू हुआ इसने केवल केस 2 एग्जीक्यूट किया एंड ब्रेक का यूज करने की वजह से इसने फर्दर एग्जीक्यूशन नहीं किया। सो आई होप आपको ब्रेक का यूज सही से समझ में आ गया होगा। बट अब अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होता है? सो जैसा कि आप देख सकते हैं फॉल्स होने पे इसने कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं किया, मगर जब हम इफ एल्स भी यूज करते हैं तो हम वहां पे ट्रू और फॉल्स दोनों ही इनिशियलाइज करते हैं कि इफ अगर कंडीशन ट्रू है, एल्स अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो उसी तरीके से स्विच केसेस में भी हम डिफॉल्ट का यूज कर सकते हैं। सो जैसे कि आपने देखा हमने यहाँ पे एक डिफॉल्ट केस यूज किया एंड अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो इसने हमारा याला स्टेटमेंट रन कर दिया। सो आई होप आपको स्विच केसेस का यूज सही से समझ में आया हो। कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक ऑलरेडी आपके लिए प्रोवाइडेड है, आप वहाँ पे भी जाके हमसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं एंड मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट्स जल्द से जल्द सॉल्व कर सकूँ। सो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। एंड गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, हमने यहाँ पे जावा ट्यूटोरियल के सीरीज में 10 लेक्चर्स ऑलमोस्ट अपलोड हो गए हैं एंड ऑल भी लेक्चर्स यहाँ पे शेड्यूल्ड हैं जो कि आपको टाइम टू टाइम बिटवीन 2 to 3 डेज आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को फॉलो करिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो।